दोस्तों राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता तमाम तरह की बयानबाजी आजकल कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने कह दिया कि उनका हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा होगा, एक ने कह दिया कि उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, एक ने कह दिया कि उनकी सांसदी रद्द होनी चाहिए। ये तो बात समझ में आती है कि बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है राहुल गांधी को देखकर। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसी बात बोल दी राहुल गांधी को लेकर जिसके ऊपर जाहिर तौर पर काफी हंगामा मचने वाला है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने ले ली है ग्रैंड एंट्री। दोस्तों राहुल गांधी जिस अमेरिका के दौरे को लेकर जबरदस्त तरीके से बीजेपी के निशाने पर हैं और जिस दौरे में वो छा गए, मतलब गोदी मीडिया ने 3 दिन राहुल गांधी के अलावा कुछ चलाया नहीं। आखिरकार उस दौरे को ख़त्म करके राहुल गांधी ने आज जब वतन वापसी की तो कुछ इस तरह से उनकी वीडियोस शेयर की गई। राहुल गांधी अमूमन व्हाइट टी शर्ट में दिखते हैं लेकिन इस बार उनकी टी शर्ट का रंग बदला हुआ था और न केवल टी शर्ट का रंग बदला हुआ था बल्कि उनकी भाव भंगिमा भी बदली हुई थी। काफ़ी कॉन्फिडेंट राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे और राहुल गांधी खुद भी जानते हैं कि उनके अमेरिकी दौरे में कितना शोर शराबा हुआ है, उनके बयानों को लेकर कितना विवाद हुआ है, कितना विवाद करने की भी कोशिश की गई है और कितनी हेडलाइंस बनी हैं। तो एक नेता के तौर पर राहुल गांधी के लिए ये अमेरिका दौरा उनका काफ़ी सफल दौरा माना जाएगा क्योंकि राहुल गांधी जो चाहते थे उन्होंने इस अमेरिकी दौरे में किया। हर नेता चाहता है कि उसको हेडलाइन मिले, यही उसको बड़ा बनाती है। और राहुल गांधी को लेकर गोदी मीडिया अगर 3 दिन सुबह से लेकर रात तक खबरें बना रही है तो राहुल गांधी की यही जीत है। तो एक नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अमेरिका में अपना दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया और कुछ इस तरह से वापसी की तो लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया। लेकिन इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल होने लगी। दोस्तों उपराष्ट्रपति ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विदेशी धरती पर यह कहना कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए उसी संवैधानिक विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आरक्षण के खिलाफ पूर्वाग्रहों की छड़ी सौंप दी गई है, ये वही पुराना संविधान विरोधी मानसिकता है। धनखड़ ने आगे कहा कि भारत के संविधान के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। उन्हें चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी आत्मा को भूल गए। दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बयान जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए दिया है और उपराष्ट्रपति के इस बयान पर कांग्रेस ने भी टिप्पणी जाहिर की है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति किसी पार्टी के थोड़े होते हैं, तो देश के होते हैं, जैसे राष्ट्रपति देश के होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं, वो भी तब जब उपराष्ट्रपति खुद भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हाँ, उस बयान को लपक कर बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की लेकिन उपराष्ट्रपति ये बात जानते हैं कि उस बयान के बाद राहुल गांधी फिर अगले दिन जब अमेरिका में थे तो उन्होंने दोबारा ये बोला कि मेरे बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई। मैं तो चाहता हूँ कि आरक्षण में 50% का जो ब्रैकेट है वो टूट जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से आरक्षण मिले। राहुल गांधी तो जाति का जनगणना के सबसे बड़े पुरोधा बन गए हैं, वो तो वकालत कर रहे हैं, वो तो सरकार से पूछ रहे हैं बताओ कब जाति का जनगणना कराने वाली है सरकार। और राहुल गांधी पर जगदीप धनखड़ इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये तो राजनीतिक आरोप हैं, ये तो बीजेपी की भाषा है। तो उपराष्ट्रपति ऐसी भाषा बोलेंगे तो उनको फिर राजनीतिक जवाब मिलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा, राहुल जी ने अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को खत्म करने की मांग की है, क्या आप कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करते हैं धनखड़ साहब? अब बताइए दोस्तों, धनखड़ साहब ने एक राजनीतिक बयान दिया तो अब राजनीति ऐसी हुई कि उनको उन्हीं के बयान में कांग्रेस ने फंसा दिया। कांग्रेस ने कहा कि भाई राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 50% का जो ब्रैकेट है उसे खत्म होना चाहिए और आरक्षण की लिमिट बढ़नी चाहिए, तो अब आप बताइए कि आप इसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी के एक बयान पर तो प्रतिक्रिया दे दी धनखड़ साहब ने, तो दूसरे बयान को लेकर पिक एंड चूज करेंगे क्या? इसीलिए दोस्तों इस तरह के पद आज से पहले हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, इसीलिए इस तरह के पदों में कभी राजनीति कोई नहीं। लेकिन हाल के सालों में जो नहीं हुआ वो हुआ है, ना केवल ऐसे पदों में बल्कि राज्यपालों में, कई राज्यपालों ने ऐसे राजनीतिक बयानबाजी की है। और जगदीप धनखड़ साहब तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, उसके बाद वो देश के उपराष्ट्रपति बने। दोस्तों अब जगदीप धनखड़ ने जो बयान दे दिया है राहुल गांधी पर और राहुल गांधी ने इस बीच जो जबरदस्त एंट्री की है, एक बार फिर से वतन वापसी की है, इसको आप किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।